Hello everyone. So question number 81. What was Montreal Protocol concerned with? The answer is कौन सा वाला लग रहा है ए बी सी डी में से. The answer is B. Checking ozone depletion. Ozone hole जो था उसको check करने के लिए या उसको कम करने के लिए जो summit बिताया गया था, that is Montreal Protocol. Ringgit is the currency of. Question number 18. Ringgit is the currency of कौन सा होगा लग रहा है. आंसर इज सी मलेशिया. एक रिंगित का वैल्यू अराउंड 18 रुपीस जैसा है, तो उसका वैल्यू इंडियन करेंसी से ज़्यादा है, इंडियन रुपीस है. क्वेश्चन नंबर 83. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कार्नाटिक म्यूजिक. दिस वेरी टफ. आंसर इज दी तप्पा. 84. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बी उर्दू. ये तो ऑलमोस्ट श्योर है, उर्दू ही होगा. 85. द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज. कंट्री बोलने से तो ऑब्वियसली चाइना इंडिया है, लेकिन व्हेन इट्स लाइक बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बिगेस्ट नहीं लार्जेस्ट सिटी होना चाहिए. एनीवेज द आंसर इज बी टोक्यो. क्वेश्चन नंबर 86 टॉक्स अबाउट द फर्स्ट रिसेप्शन ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज. ये अवार्ड दिया जाता है ये फिल्म इंडस्ट्री का जो पायनियर हो या जो बेस्ट उस समय कुछ योगदान दिया है ना, तो आई मीन ही और सी कुड बी एन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वट एवर. एंड ये बॉलीवुड बोल के लिमिट नहीं है, इट कैन गो टू टॉलीवुड कोलीवुड कहीं भी हो. सो इट वॉज लाइक द फर्स्ट अवार्ड वॉज गिवेन इन द ईयर 1970 एंड द रिसेप्शन वॉज सी देविका रानी. 87. फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया इज. टॉकी फिल्म मतलब जहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि पहले ताकि पहले ऑडियो आता था ना, सॉरी ओनली वीडियो आता था, बाद में टेक्नोलॉजी करने के बाद फिर उसमें भी ऑडियो भी डाल के तब आता था. अदरवाइज जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट था, धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेडेशन होते रहते हैं. तो इंडिया का फर्स्ट टॉकी फिल्म था आलमारा इन द ईयर 1981. बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले वाला. 88. क्लाउडेड लियोपार्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ. आंसर इज बी मेघालय. तमिलनाडु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय. दिस लाइक अरुणाचल जी के. आंसर इज ए मिसमी. सही, तमिलनाडु इज लाइक दिगारू मिसमी. एनीवेज आंसर इज ए मिसमी. क्वेश्चन नंबर 90. टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट. एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर आर अराउंड 600 यू नो वेराइटीज ऑफ और स्पीसीज ऑफ ऑर्किड ओनली इन अरुणाचल प्रदेश. ये बहुत ज़्यादा है, तो अरुणाचल को मतलब ऑर्किड सेंटर ही बोल सकता है. इसका बहुत स्कोप है आने वाला सालों में ना. क्वेश्चन नंबर 91. कोरोना वायरस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. आई थिंक द वर्ड ओरिजिनेटेड थोड़ा गलत होगा, फिर भी कोरोना वायरस फर्स्ट से कहाँ में डिटेक्ट किया गया है बोलने से. आंसर इज सी वुहान. वुहान इज द कैपिटल और या हेडक्वार्टर ऑफ हुबे. क्वेश्चन नंबर 92. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ. आंसर इज सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन. नॉट ए सर्च इंजिन पूछ रहे हैं. हाँ, तो गूगल याहू तो डेफिनेटली सर्च इंजिन है. द क्वेश्चन लाइज बिटवीन फायरफॉक्स मोजिला एंड अल्टा विस्ता. एक्चुअली अल्टा विस्ता ये भी सर्च इंजिन है, बट इसको याहू लोग खरीद लिया था, याहू लोग इसको ऑन कर दिया अभी. तो फायरफॉक्स मोजिला जो है ये बेसिकली वेब ब्राउजर है ना, क्रोम ये फायरफॉक्स मोजिला. तो आंसर वुड बी सी फायरफॉक्स मोजिला. 94. द फोल्डर विच कंटेन्स द रिसेंटली व्यूड वेब पेजेस कंटेंट इज. आंसर इज दी टेम्पररी इंटरनेट फाइल. क्वेश्चन नंबर 95. द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन. आंसर इज ए जेनेवा. जेनेवा काम है स्विट्जरलैंड, बट रिमेंबर जेनेवा इज नॉट द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड ये आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बहुत है, तो आई कैन एक्सपेक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग ये क्वेश्चन यूपीएससी या एपीएस में आ सकता है, इसलिए आप वर्ल्ड हेल्थ के बारे में ये तुझे जानने से सही रहेगा. द बुक क्वेश्चन नंबर 96. द बुक नेमसेक विच गोट पुलित्जर प्राइज 2000 इज रिटन बाय इंडियन राइटर ऑब्वियसली. आंसर इज बी झुंपा लहरी. 97. हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व ऑन. जहाँ पे बम गिरा रहा है एटम बम. आंसर इज दी 6 अगस्त. ईयर इज 1945. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज. दिस इज वेरी ट्रिकी. लाइक ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, चलो सी एंड डी इज लाइक आउट ऑफ द रेस. बट एक बात ध्यान दो, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं,
इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आई विल गो विथ लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ऑप्शन बी. आप पूछेगा क्यों, बिकॉज विलियम बेंटिक जब था गवर्नर जनरल इट वॉज ब्रिटिश इंडिया, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा. और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बोलने से इंडिया का मतलब अफ्टर आज़ादी का बाद इंडियन बोलने से देट इज सी राजा गोपालचारी. 99 स्पाई अजानिया ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, इंडियन आर्मी में एक बॉक्सर था तो उसका ऑफर है ये, तो आंसर इज दी बॉक्सिंग. 99 पायोली एक्सप्रेस इज द निक नेम ऑफ, इसका है पायोली एक्सप्रेस निक नेम ऑफ पीटी उषा. पीटी उषा इंडिया का बहुत अच्छा एथलीट था स्पेशली इन ऑन लाइक रनिंग वनिंग में 200, 100 मीटर, 400 मीटर रेस में बहुत से इंडिया का जीता है गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, बट नॉट इन ओलंपिक्स, ऑलवेज रिमेंबर कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में उसमें बहुत जीता है. अभी न्यूज में है अपना कौन, हिमा दास, लेकिन हिमा दास को कौन सा एक्सप्रेस बोलते हैं, एनी वन एनी आइडिया, उसको भी आप लोग देख लीजिए हिमा दास को कौन सा एक्सप्रेस बोलते हैं. उसको बोलता है यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन ना. ओके तो इससे हम लोग का ये सेशन को कंप्लीट करते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.